हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ओनली बुक रिव्यू पर। दोस्तों, आज हम एक ऐसी बुक का रिव्यू करने वाले हैं जिसका टाइटल है नरक की यात्रा। इसे लिखा गया है ज्ञान चतुर्वेदी के द्वारा। दोस्तों, इसमें क्या स्टोरी है और ये स्टोरी किसके ऊपर है, इस वीडियो को इन्फॉर्मेशन देंगे हम अपनी आगे की वीडियो में। तो बने रहिए हमारी वीडियो के लास्ट तक और अभी इस रेड क्लिक सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके आप बन जाइए हमारे चैनल के सदस्य और इस ब्लैक कलर के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे एक एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। चलिए शुरू करते हैं आज का बुक रिव्यू वीडियो। बुक इन्फॉर्मेशन, बुक का नाम है नरक की यात्रा। इसे ज्ञान चतुर्वेदी के द्वारा प्रकाशित किया गया था 1 जनवरी 2015 को राजकुमार प्रकाशन के द्वारा। दोस्तों, ये अमेजोन पर आपको हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। इस पूरी बुक को मात्र 238 पेजेस में कवर किया गया है और बात करें इसके डेकोरेशन की तो इसे एक हार्ड कवर के साथ डेकोरेट किया गया है और इसकी पेपर क्वालिटी पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। बुक स्टोरी, दोस्तों ज्ञान चतुर्वेदी ने अपनी इस किताब में यह स्टोरी को एक्सप्लेन किया है कि जब एक मध्यवर्गीय परिवार के लोग ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल जाते हैं तब उन्हें किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा कि आपको किसी भी काम के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, तो बस इसी के ऊपर ज्ञान चतुर्वेदी ने यह किताब को पब्लिश किया है। जब आप इस किताब को पढ़ते हैं तब आपको पता लगता है कि डॉक्टर्स जो होते हैं वह किस किस्म के भी होते हैं। वैसे तो आजकल कोरोना से हमारे डॉक्टर्स भगवान के रूप में हमारे सामने आए हैं, तो हम उनकी गणना इस किताब से नहीं कर सकते। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी और पसंद आई हो तो इस किताब को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि दोस्तों यह तो बस सिर्फ एक छोटी सी क्लिप दी है, बहुत छोटी सी, क्योंकि इसमें बहुत बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ज्ञान चतुर्वेदी ने अपने इस किताब में बताई हैं, जो कि आप पढ़ के आपको अच्छा लगेगा कि ये बहुत अच्छी किताब है। मैंने जब इसे पढ़ा तो मैं इससे बहुत इंस्पायर हुआ, क्योंकि इसमें डॉक्टर्स का असली रूप तो नहीं कह सकते, वह एक गंदा हिंसात्मक रूप सामने आया है। वैसे तो इस समय डॉक्टर्स हमारे लिए भगवान बन के उतरे हैं, तो उनकी तुलना हम इस किताब से नहीं कर सकते, बट कुछ डॉक्टर्स होते हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ हिंसा के प्रति ही वह भरोसा रखते हैं। उनके अकॉर्डिंग ही ज्ञान चतुर्वेदी ने नरक की यात्रा में उनकी स्टोरी को एक्सप्लेन किया है। और अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं तो लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, प्लीज़ चेकआउट माई डिस्क्रिप्शन। और बात करें इसकी राइटिंग स्टाइल की तो दोस्तों इसका राइटिंग स्टाइल बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से दिया गया है। जैसे कि आपको मैं बता चुका हूँ कि ये मात्र 238 पेजेस की किताब है, तो दोस्तों इसकी जो राइटिंग क्वालिटी है वह काफ़ी अच्छी दी गई है और इसमें मिस्टेकों को बहुत ही ज़्यादा कम देखा गया है। बस एक दो जगह ही ये मैंने देखी थी, पर बस पूरी किताब को बहुत ही फ्रेशली तरीके से सामने रखा गया है। और दोस्तों जो इसके ऑथर ने जो स्टोरी एक्सप्लेन की है वो इस तरह से करी है जैसे कि वह आपके सामने आमने सामने ऐसे की बात कर रहे हों, बस इसी वजह से आप बोरिंग फील नहीं करते हैं और आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हो जाते हैं इस किताब को लास्ट तक। और बात करें हम ज्ञान चतुर्वेदी जी के करियर की तो उन्होंने अभी तक बहुत सारी बेस्ट सेलर बुक्स लिख चुके हैं और इनके द्वारा लिखी हुई किताबें रीडर को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। वैसे तो मैंने अपनी लाइफ में ये पहली किताब ही पढ़ी है नरक यात्रा, पर मैं इसके बाद पागल खाना ज्ञान चतुर्वेदी का जो उपन्यास है उसे भी पढ़ने वाला हूँ। अगर आप उसके लिए भी रिव्यू चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, मैं आपको उस पर एक फुल रिव्यूज़ बना कर दूँगा। और बात करें हम इसकी एंडिंग की तो आपको लास्ट तक आते आते यह पता चल जाता है कि ज्ञान चतुर्वेदी की ये जो किताब है नरक यात्रा, इसमें किस तरह के डॉक्टर्स का स्टोरी को एक्सप्लेन किया गया है और वह व्यक्ति कौन है जो अपना इलाज कराने के लिए अपनी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराने के लिए हॉस्पिटल में जाता है और वह किन किन परेशानियों से गुजरता है। लास्ट तक आप जैसे ही पहुँचते हैं तो आपके मन में जितने भी सवाल होते हैं स्टार्टिंग में उनका जवाब आपको पूरी तरह से मिल जाता है और आप सेटिस्फाइड होते हैं इस बुक से, क्योंकि दोस्तों एक बुक को पढ़ने के लिए कम से कम मुझे 2 दिन जाते हैं, तो वो मेरे 2 दिन पूरी तरह से वेस्ट नहीं हुए। काफ़ी मुझे इससे नॉलेज मिली और काफ़ी मुझे मोटिवेशन मिला और मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस किताब को पढ़ करके, क्योंकि डॉक्टर का एक हिंसात्मक रूप भी देखने को मिला है इस बुक के माध्यम से हमें। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का रिव्यू वीडियोस, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारे चैनल की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। और दोस्तों इस ब्लैक कलर के बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। तो प्लीज़ हमारे सभी वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए हम आपसे बिता लेते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। थैंक्स फॉर ऑल व्यूअर, थैंक्स फॉर ऑल माई सब्सक्राइबर।